जय हिंद। आपने अक्सर एनसीसी कैडेट्स को देखा होगा, या तो अपने स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में ड्रिल करते हुए, या किसी सोशल सर्विस की रैली में शामिल होते हुए, या फिर सफाई अभियान के अंतर्गत आसपास की सफाई करते हुए, या फिर आपने उन्हें देखा होगा टीवी पर 26 जनवरी की परेड में शामिल होते हुए। आखिर कौन होते हैं ये एनसीसी कैडेट, क्या होती है एनसीसी? आज का वीडियो इसी के बारे में है। एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी युवा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 13 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स हैं और इसकी संख्या आगे चलकर बढ़ने ही वाली है। एनसीसी का उद्देश्य है देश के युवाओं का चरित्र निर्माण करना, उनके अंदर एकता और अनुशासन लाना, उन्हें अच्छा नेता यानी उनके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज लाना, टीम स्पिरिट उन्हें सिखाना, मिलजुल कर एक साथ रहना सिखाना और उनके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को जागृत करना। इसके अलावा एनसीसी का उद्देश्य ये भी है कि युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए, डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना। एनसीसी को सिर्फ एक स्टूडेंट ही ज्वाइन कर सकता है। यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल और अ कॉलेज। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एनसीसी ज्वाइन करना। पर अगर आपके इंस्टीट्यूशन में एनसीसी नहीं है तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शहर के किसी एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखनी होगी और रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। एनसीसी में 2 विंग होते हैं, जूनियर विंग और सीनियर विंग। जूनियर विंग के लिए एज होनी चाहिए 12 years to 18.5 years। सीनियर विंग के लिए आपकी एज 26 years तक होनी चाहिए, 26 या उससे नीचे। इसके लिए कोई लोअर लिमिट नहीं है। यूजुअली क्लास 8th से 10th तक के बच्चे जूनियर विंग में ज्वाइन करते हैं और क्लास 11th, 12th और डिग्री कॉलेज के बच्चे सीनियर विंग में ज्वाइन करते हैं। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आप कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं और एनसीसी ज्वाइन करने में आपको प्रायोरिटी मिलती है। एनसीसी का एनरोलमेंट यूजुअली जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होता है। एनसीसी यूनिट से एक सिलेक्शन टीम आपके स्कूल या कॉलेज में आती है और वॉलंटियर्स में से एनसीसी कैडेट्स को सिलेक्ट करती है। आपकी हाइट नापी जाती है। आमतौर पर अच्छी हाइट वालों को एनसीसी में लिया जाता है, बट दैट डजंट मीन कि अगर आपकी हाइट अच्छी नहीं है तो आपको एनसीसी में नहीं लेंगे। अगर आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हो, आप यू सिंग वेल और यू डांस वेल, यू कैन प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो भी आपको प्रायोरिटी मिलती है एनसीसी ज्वाइन करने में। एक बार एनसीसी में इनरोल हो जाने पर आपको एनसीसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। साल में करीबन 35 से 40 दिन एनसीसी की ट्रेनिंग चलाई जाती है इंस्टीट्यूशन में। यूजुअली सैटरडे और संडे को क्लासें लगती हैं। एनसीसी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड हाइजीन। एनसीसी सब्जेक्ट्स के अलावा बच्चों को कुछ मिलिट्री सब्जेक्ट्स की भी जानकारी दी जाती है जैसे मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। स्कूल या कॉलेज में जो बच्चों को एनसीसी ट्रेनिंग दी जाती है उसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, फ्री में उनको खाने के लिए स्नैक्स दिया जाता है क्लास के बीच में। जूनियर विंग में एनसीसी का टेन्योर 2 साल का होता है और सीनियर विंग में एनसीसी का टेन्योर 3 साल का होता है। जूनियर विंग का कैडेट सेकेंड ईयर में जब पहुँचता है उसे एक कैंप करना अनिवार्य होता है। इन द सेकेंड ईयर 10 दिन का एनसीसी कैंप होता है। उन 10 दिनों में तमाम एनसीसी कैडेट्स एक साथ रहते हैं और सुबह से शाम तक वो एनसीसी की ट्रेनिंग एक साथ करते हैं। रात में भी वो कैंप में ही रहते हैं। आफ्टर 10 डेज ही वो अपने घर जाते हैं। इस दौरान डिटेल में उनको एनसीसी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, फायरिंग कराई जाती है, अच्छी तरह से ड्रिल सिखाई जाती है और इस कैंप के दौरान वो सोशल सर्विसेज भी करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको एक रेजिमेंटल वे ऑफ लिविंग के बारे में सिखाया जाता है। मतलब फौज में कैसे रहा जाता है, एक साथ कैसे रहा जाता है, एक लार्ज संख्या में मिलजुल कर,
और कठिन परिस्थितियों में कैसे रहा जाता है ये सिखलाई दी जाती है। जूनियर विंग का कैडेट जब अपना 2 साल का टेन्योर पूरा कर लेता है, दूसरे साल की एंड में उसे एक रिटन एग्जाम में बैठना पड़ता है जिसको बोलते हैं ए सर्टिफिकेट एग्जाम। एग्जाम पास करने पर उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है। सीनियर विंग का कैडेट जब सेकेंड ईयर में आता है तो उसे एक एनसीसी कैंप करना अनिवार्य होता है और सेकेंड ईयर के एंड में उसका एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं बी सर्टिफिकेट एग्जाम। यदि वो एग्जाम पास कर लेता है तो वो थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाता है। तीसरे साल में भी उसे एक कैंप करना अनिवार्य होता है और तीसरे साल के एंड में फिर एक एग्जाम में उसने बैठना पड़ता है जिसको बोलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम। इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। इसमें अगर उसका अच्छा ग्रेड आए, इसमें ए बी सी 3 ग्रेड होते हैं, अगर उसका ए या बी ग्रेड इसमें आता है तो इस भविष्य में उसको इसके काफ़ी फायदे होते हैं। बहुत सी सरकारी नौकरियों में एनसीसी कैडेट्स के लिए बोनस मार्क्स होते हैं। हायर स्टडीज़ में फॉर एग्जांपल कुछ लोग एलएलबी करते हैं या डॉक्टरेट करते हैं, वहाँ भी एनसीसी कैडेट को बोनस मार्क्स मिलते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिजर्व्ड सीट्स होती हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए, बोथ एज एन ऑफिसर और एज अ जवान। जब आप फौज ज्वाइन करते हैं, आर्मी नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो एनसीसी कैडेट्स को उसमें रिजर्व सीट मिलती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एनसीसी कैडेट्स को प्रायोरिटी मिलती है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, जो अपने सिक्योरिटी एजेंसीज में एनसीसी कैडेट्स को एम्प्लॉय करती है। इस तरह से एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बहुत मायने होते हैं, लेकिन इसको अर्न करना पड़ता है, इसे पाना इतना आसान नहीं है। 3 साल तक आपको दिल लगा के एनसीसी की ट्रेनिंग करनी होती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एनसीसी में कई किस्म के कैंप होते हैं। पहला तो होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि एक आम कैंप होता है जिसे सभी कैडेट्स ने अटेंड करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा एनसीसी में कुछ स्पेशल कैंप्स भी होते हैं जिनको अटेंड करने का मौका केवल चुनिंदा कैडेट्स को ही मिलता है, जो सेलेक्टेड लॉट हैं उन्हें ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल थल सैनिक कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, माउंटेनियरिंग कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, पैरासेलिंग कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, ओटीए चेन्नई अटैचमेंट कैंप एक्सेट्रा। थल सैनिक कैंप एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है। जो कैडेट इसके लिए जाते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, पहले अपने ग्रुप में जिस जगह पर वो हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर अगर वो सेलेक्ट हो जाएं तो फिर वो स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हो जाएं तो फिर नेशनल लेवल पर आते हैं और वो कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं। इसके अंदर मैप रीडिंग कॉम्पिटिशन होता है, फायरिंग कॉम्पिटिशन होता है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन होता है। बहुत ही अच्छा मौका मिलता है बच्चों को, यू नो, मिलिट्री सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने का, अपने आप को दुरुस्त बनाने का और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का। इसके अलावा एनसीसी का एक जाना माना कैंप है रिपब्लिक डे कैंप। 1 महीने का ये कैंप दिल्ली में लगता है जनवरी के महीने में और इस कैंप में शामिल होने वाले कैडेट्स 26 जनवरी को परेड करते हैं। बहुत लकी होते हैं वो कैडेट्स जिनको रिपब्लिक डे कैंप अटेंड करने का मौका मिलता है। देश के लाखों कैडेट्स में से कोई 1200-1500 ही कैडेट्स होते हैं जिनको दिल्ली में 1 महीने का कैंप अटेंड करने का मौका मिलता है। उस कैंप के दौरान वो देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के मुखियाओं से जाकर उनके घर में मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको नेशनल लेवल पर, यू नो, वीआईपी से मिलने का मौका मिलता है और पूरे देश से आए हुए कैडेट्स के साथ मिलजुल कर रहने का, उनसे सीखने का मौका मिलता है, उनके साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा कैडेट्स ऐसे भी होते हैं जो रिपब्लिक डे कैंप अटेंड करते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा कैडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमारे कंट्री को फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है अंडर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एनसीसी का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे देश के कुछ बेस्ट कैडेट्स को फॉरेन कंट्री में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। रशिया, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसे कंट्रीज में कैडेट्स जाते हैं और कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक एनसीसी कैडेट थे? मैंने उनको अक्सर सल्यूट करते हुए देखा है, अमर जवान ज्योति के सामने वो जब सल्यूट करते हैं, टीवी पर उनका आता है वीडियो,
तो मैं देखती हूँ कि उनका सल्यूट कितना स्मार्ट और कितना बढ़िया होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती, मतलब उंगलियाँ कैसे रखनी है, कहाँ पर सल्यूट करना है। तो दैट टेल्स दैट ही हैज़ बीन एन एनसीसी कैडेट्स और उन्हें आज भी याद है कि सल्यूट कैसे किया जाता है। मैं समझती हूँ सभी युवाओं ने एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए और जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं उन्हें एनसीसी की सिखलाई को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना देना चाहिए। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो क्या पता कल आप में से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बने या कोई बहुत बड़ा समाज सेवक बने या फिर कोई और ऐसा काम करे जिससे पूरे भारत को फख्र हो।